I have a privilege to speak about my family. I live in a house near the highway. I have a brother and a sister, and I was born first. My father is a teacher and my mother is a housemaker. My grandma also lives with us. She cooks the best food. My sister likes to cook with my mother. My brother and I like to go for long drive. My family is very important to me. I love my family very much. Hello everyone. जो कुछ भी मैंने अभी स्पीच में बोला वही इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तो पहले हम इस पैराग्राफ को रीड करेंगे, देन ट्रांसलेट, और वैसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि इस पैराग्राफ का नाम देना हो तो ऑब्वियसली माय फैमिली ही देंगे, क्योंकि उसी के बारे में पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। मैं हाईवे के पास एक घर में रहती हूँ। मेरा एक भाई और एक बहन है और मैं सबसे पहले पैदा हुई थी। मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं और मेरी माँ एक गृहिणी है। मेरी दादी भी हमारे साथ रहती है, वह सबसे अच्छा खाना बनाती है। मेरी बहन को मेरी माँ के साथ खाना बनाना पसंद है। मुझे और मेरे भाई को लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद है। मेरा परिवार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ। तो चलो अब इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करते हैं, राइट? मैं हाईवे के पास एक घर में रहती हूँ। मैं मतलब आई, लिव मतलब रहना, हाउस मतलब घर, नियर मतलब किसके पास, हाईवे के पास। तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, आई लिव इन अ हाउस नियर द हाईवे। मेरा एक भाई और एक बहन है। जब भी हमारे पास कुछ होने के सेंस पे बात किया जाता है तो हैव का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है आई हैव अ ब्रदर। एक भाई है तो आप आर्टिकल ए लिख दीजिए, वन लिखने की जरूरत नहीं है। और एक बहन है तो यहाँ पे अ सिस्टर लिखेंगे। यदि एक से ज्यादा है तो आप 2-3 नंबर लिख सकते हैं। तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। और मैं पहले पैदा हुई थी, आप ये भी कह सकते हैं, और मेरा जन्म सबसे पहले हुआ था। और मतलब एंड, आई मतलब मैं, ये क्योंकि पास्ट की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे वास का प्रयोग करेंगे। बॉर्न मतलब कि जन्म लेना, फर्स्ट मतलब पहले। तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा एंड आई वास बॉर्न फर्स्ट। मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं। मेरे पिताजी मतलब माय फादर, इज मतलब है, आ टीचर, आ टीचर के आगे ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। एंड मतलब कि और। मेरी माँ एक गृहिणी है। मेरी माँ मतलब माय मदर, इज अ मतलब कि है, हाउस मेकर मतलब कि गृहिणी। तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा माय फादर इज अ टीचर एंड माय मदर इज अ हाउस मेकर। मेरी दादी भी हमारे साथ रहती है। दादी मतलब कि माय ग्रैंड मदर, समटाइम हम ये भी यूज कर सकते हैं माय ग्रैंड मा। ऑल्सो मतलब वो भी साथ में रहने के सेंस पे है। लिव्स मतलब कि रहना, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वर्ब को भी सिंगुलर बनाने के लिए ये एस का प्रयोग किए गए हैं। विथ मतलब साथ में, अस मतलब हमारे। तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा माय ग्रैंड मदर ऑल्सो लिव्स विद अस। वह सबसे अच्छा खाना बनाती है। वह मतलब कि यहाँ पे हमारी दादी के लिए यूज किया गया है जो कि फीमेल है इसलिए यहाँ पे सी का यूज करेंगे। और मैंने अभी बताया है कि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होने के वजह से हम यहाँ पे उसका जो वर्ब है उसको भी सिंगुलर बनाएंगे। यहाँ पे एस इसलिए लिखा हुआ है। और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, फूड मतलब कि खाना बनाना। तो सी कुक्स द बेस्ट फूड। मेरी बहन को मेरी माँ के साथ खाना बनाना पसंद है। मेरी बहन मतलब माय सिस्टर। लाइक्स मतलब कि पसंद है। कुक मतलब कि खाना बनाना। विथ मतलब
साथ में, माय मदर मतलब मेरी माँ के साथ में. तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा माय सिस्टर लाइक्स टू कुक विथ माय मदर. मुझे और मेरे भाई को लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद है. मुझे मतलब कि आई, माय ब्रदर मतलब कि मेरा भाई, एंड मतलब कि और, गो टू मतलब कि जाना, फॉर मतलब के लिए, लॉन्ग ड्राइव मतलब लंबी सैर के लिए. तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा माय ब्रदर एंड आई लाइक टू गो फॉर लॉन्ग ड्राइव. मेरा परिवार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. मेरा परिवार मतलब माय फैमिली, इस मतलब है, वेरी मतलब बहुत ज्यादा, इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, टू मी मतलब मेरे लिए. तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा माय फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ. आई लव माई फैमिली मतलब मेरे परिवार से वेरी मच मतलब बहुत ज्यादा. तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा आई लव माई फैमिली वेरी मच. आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है. पहले इसे रीड कीजिए और समझिए, उसके बाद बोलने की प्रैक्टिस करनी है.